इस वाले नट को अच्छे से थोड़ा टाइट कर लेना और मतलब ये हम लोग देख लेंगे, ये सीधा होना चाहिए वरना आपको राइडिंग करने में अजीब लग सकता है। एकदम सेंटर में आपको मिला लेना होगा, ये जैसे मैं सेंटर में मिला रहा हूँ इसको, सेंटर में हो गई है। चार नंबर एलएन की, और चार नंबर एलएन की से ये हमें इन चारों बोल्टों को अच्छे से ढीला करना होगा। हैंडल बार कैसे रहता है? सॉरी नहीं, ऐसे रहेगा। हाँ हाँ वैसे ही रहता है, ठीक है, सही रहेगा। पसंद ठीक है, यहीं पे इसे पकड़ के इन चार मिनट को अच्छे से रखना वरना मुंह के बल गिर सकते हो। आगे इतना इधर बाहर, इतना एक से नीचे, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट ऐसे मिलाना होगा इस, ठीक है ठीक है, हो सकता है। गाइस ये देखो, मतलब कि मैंने हैंडल बार के लिए ये हैंडल बार ही से कहते हैं सॉरी, ये मैंने नया नहीं मंगवाया, तो ये पिछले वाले पुराने वाले हैंडल का ये मैं निकाल लिया और इसके इसी को इसके अंदर लगाएंगे। सॉरी यार, पहले तो ब्रेक का तो लगा ले। गाइस अभी सीन हो गया, हमने इसे उल्टा कर दिया, सॉरी गाइस, ऐसे फिर से खोलना पड़ेगा, ऐसे खोलेंगे इसे फिर इसे उस साइड का है, सॉरी गाइस उस साइड का, अरे इसे साइड का है ये तो लगाओ ना।
ये भगवान कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक लगा उस साइड का गड़बड़ नहीं यार स्प्रिंग। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक लग रहा है। सॉरी गाइस तो गाइस हमने अपना हैंडल बार लगा लिया जिसका कॉस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे लगभग 499 पड़ा हुआ था। और ये हैंडल बार का मुझे क्वालिटी तो एकदम सही लगा देख सकते हो गाइस। आपको अगर चाहिए तो मैं अपने कमेंट में इसे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और गाइस ये कैसा लग रहा है हैंडल बार आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कर देना जिससे हम अपने साइकिल में अगली बार वो गियर इंस्टॉल करें और उसकी वीडियो ट्यूटोरियल हम यहाँ पे देंगे। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, बाय गाइज़।